गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके अपने YouTube चैनल नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की हिंदी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, बस की यात्रा। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं उनने अपनी एक यात्रा वृतांत के बारे में, जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा एक यात्रा वृतांत लिखा गया है उसको पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या उन्होंने कठिनाइयां, परेशानियां या क्या तरीके से उन्हें क्या महसूस किया उसको उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है। बच्चों, यात्रा वृतांत वो होता है जब आप कहीं जाते हैं और उसका आप एक विवरण देते हैं अपनी स्मृति के आधार पर। मानो आप हरिद्वार गए और आपने हरिद्वार की यात्रा का एक वृतांत लिखा, ठीक है, तो वह होता है आपका यात्रा वृतांत। तो आओ बच्चों, पढ़ें बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। तो बच्चों, ये जो 5 मित्र हैं, हरिशंकर प्रसाई जी और उनके 4 मित्र, शाम 5 बजे 4 बजे कहाँ से चले? बस से चले। कहाँ? पन्ना से, ठीक है। और उन्हें जाना कहाँ था? सतना। कहाँ जाना था उन्हें? सतना जाना था। कहाँ से? जबलपुर की ट्रेन से। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए यह रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं नहीं, बस डाकिन है। तो ये जो लोग हैं, जब वो जा रहे थे अपने घर को, उनमें से कुछ लोगों ने सुबेरे अपने वर्क पे ऑफिस जाना था या ड्यूटी जाना था उन्हें, तो उन्हें सुबेरे इस रास्ते से जाना ज़रूरी था। बट लोगों ने उनसे कहा कि इस जो समझदार लोग हैं वो इस रास्ते से नहीं जाते। क्यों? लोगों उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, ये बस क्या है, ये बस ही डाकिन है। मतलब बस ही आपका क्या करेगी? आपको लूट लेगी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वृद्धों वयोवृद्ध थी, सदियों का अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यह ब्रश पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। तो जो लेखक हैं उन्हें बस को देख के क्या हो गई? श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि बस कैसी है? बहुत वृद्ध है ना। वृद्ध लोगों की तो क्या की जाती है? यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि वृद्ध लोगों की तो सेवा की जाती है, बस पर सवारी कैसे कर सकते हैं? वो ब्रश भी वृद्ध हो चुकी थी, है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लोग पूछ रहे हैं कि यह बस क्या है, अपने आप चलती है? उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है। तो जो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह गोद में प्यार से लेकर चलेगी। मतलब ये जो है, यहाँ पर उन लेखक जो हैं अपने डॉक्टर मित्र से क्या करें, डरो मत, बस आपको प्यार से सुरक्षित अपने घर पहुँचा देगी, क्योंकि क्या, बसों को सालों का अनुभव है, ठीक है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह ऐसे देख रहे थे, इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई ले रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो जो लोग हैं, जब लोग बस में बैठ रहे थे, लेखक और उनके साथी, तो लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वे अंतिम यात्रा को जा रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या यूज़ किया है, इसीलिए किस शब्द का प्रयोग किया है?
आना जाना तो लगा रहता है, मतलब धरती में जन्म लेना और मृत्यु तो क्या है, एक प्रकृति का नियम है ना। जो आया है सो जाएगा, मतलब जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, चाहे वो राजा हो रंक यानी गरीब राजा हो या अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो। ठीक है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो जो दोस्त जो हरिशंकर परसाई जी हैं और उनके दोस्त हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, कांच तो बस में बहुत कम बचे थे, यानी कि बस के कांच काफ़ी टूटे हुए थे, इसीलिए टूटे हुए कांच से उन्हें दूर रहना था ताकि कहीं उन्हें क्या हो चोट ना लग जाए, इसीलिए क्या हुए खिड़की से दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, जैसे बस चल रही थी उन्हें क्या लगा हमारी सीट के नीचे क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वश अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तो बच्चों ये जो असहयोग आंदोलन जिसकी बात की गई है गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में, तो बच्चों गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इनकी देश में जो विदेशी थे उनका सहयोग करना बंद कर दिया था और क्या करा था, स्वदेशी को अपनाया था, विदेशियों का बहिष्कार करा था और क्या करा था, सभी ने अवज्ञा यानी कि पूरे देश में सब ने उन्होंने क्या करा था, गांधी जी के सानिध्य में सभी लोगों ने अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय की ये बात कर रहे हैं, बस क्या होगी उस समय जवान होगी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता था कि सीट बॉडी छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक कह रहे हैं जब पहले हम किसी नई चीज़ को ट्राई करते मतलब प्रयास करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें काफ़ी असहजता महसूस होती है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, काफ़ी मुश्किल होगा, है ना, इस तरीके के ख्याल हमारे मन में आते हैं। पर जब धीरे धीरे हम उस काम को करने लगते हैं ना, तो वो काम कैसा लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है। तो यही बात वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुँह में दूध की शीशी लगाती है। तो जो बस थी उसका क्या हुआ, तेल की टंकी में छेद हो गया। तेल की टंकी में छेद हुआ तो उन्होंने क्या करा, नली बाल्टी लगाकर सारा तेल निकाल लिया। ठीक है बच्चों, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, लुभावने मतलब होता है बच्चों बहुत शानदार, जो मन को मतलब जिनसे देखकर मन क्या हो जाए, खुश हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इसे टकराएगी। तो जो लेखक हैं उन्हें क्या था, डर लग रहा था किसका, अपनी मृत्यु का, तभी क्योंकि जब बस क्या थी, बस अच्छी हालत में नहीं थी, खस्ता हालत में थी, तो उन्हें क्या लगता था कि बस कभी भी कहीं भी टकरा सकती है, इसीलिए उन्हें क्या था, बस पे विश्वास नहीं था। तो जैसे ही पेड़ आता था वो पेड़ को क्या समझते थे, अपना दुश्मन, कि इससे टकराकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। जो जब पेड़ निकल जाता था फिर वो दूसरे पेड़ का इंतजार करते कि कब पेड़ आएगा और बस इसमें टकरा जाएगी। फिर एकाएक बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की,
पर वह नहीं चली। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो यानी कि जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर बस ने क्या कर दिया, चलने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, इसको उन्होंने किसके किस रूप में कहा है, सविनय अवज्ञा के आंदोलन में। ठीक है, आज्ञा आज्ञा होता है बात को मानना, अवज्ञा होता है बात को मानने से इनकार करना। ठीक है, तो जो उनके साथी थे वो कह रहे थे बस तो बहुत अच्छी है, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मतलब होता है बच्चों जो कभी कभार होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बरस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो। हमें ग्लानि हो रही थी, हम इस बेचारी पर लत कर चले आ रहे हैं, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बयाबन में इसकी हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो जो लेखक हैं वो रात की हल्की हल्की चांदनी में उन्हें बस कैसी लग रही थी, बहुत ही दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब बस के ऊपर उनको दया आ रही थी। क्यों, क्योंकि बस एक तो बस वृद्ध थी और बस क्या हो जाती थी, बार बार बंद हो जाती थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया हो। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली, चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह आगे रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती, कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो उम्र ही नहीं रही। तो लेखक बता रहे हैं जैसे ही बस के आगे पीछे से कोई गाड़ी आती थी तो बस क्या हो जाती थी, किनारे हो जाती थी। क्यों, क्योंकि गाड़ियों को पास देना पड़ता है ना, जो गाड़ी स्पीड में आ रही है तो उसे साइड में पास दिया और वो गाड़ी आगे निकल जाती है ओवरटेक करके। ठीक है, एक पुलिया कर ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि टायर पिंचर हो गया। बस बहुत बहुत ज़ोर से हिल कर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायर की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली में लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती, बस नाले में गिर जाती तो क्या होता बच्चों, अगर बस नाले में गिर जाती तो जो लेखक हैं उनकी वो हो जाती क्या, मृत्यु हो जाती और नाले में गिर के ही वे मर जाते। तो जो लेखक हैं उनके जो साथी थे वो उनको बस के बारे में पता था कि बस के टायर क्या है, ख़राब हैं, तो फिर भी उसमें यात्रा कर रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि ये आदमी क्या है, ये आदमी बहुत ही साहसी है, इसे क्या होना चाहिए था, क्रांतिकारी नेता होना चाहिए था। हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि उन्हें टायर की हालत पता नहीं थी, लेकिन किसको पता थी, जो कंपनी के हिस्सेदार हैं उन्हें पता थी, तो फिर भी उन्होंने क्या करा, टायर नहीं बदला, दूसरा घिसा पिटा टायर लगा कर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, इससे सीधे उस लोक को प्राणायन कर जाना है। तो जो लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें अब कहीं भी जाने की इच्छा नहीं रही थी, उन्हें बस वो बस ही क्या लगने लगा था, अपना घर लगने लगा था। ऐसा बच्चों तब होता है जब आप किसी काम को बहुत समय तक कर लेते हैं, जब कोई नई चीज़ आप शुरू करते हैं और आप उसे करते करते आपको बहुत समय हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है आपको काम अच्छा लगने लगता है और आपको कहते हैं कि बस ये ठीक है, अब जो हो रहा है ये काफ़ी अच्छा है। तो लेखक भी इसी तरह कह रहे हैं कि
इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। हम इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो जो लेखक हैं उन्होंने क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मृत्यु का भय त्यागा तो उन्हें क्या हुआ, उनकी चिंता यानी कि जो उन्हें वो हो रही थी, परेशानी हो रही थी, बेताबी। बेताबी मतलब होते बच्चों बेचैनी कि यार बस कहीं टकरा जाएगी, हमें चोट लग जाएगी, इस तरह की बेताबी, तनाव। तनाव होता है बच्चों की जब आपको किसी चीज़ की परेशानी हो जाती कि यार कैसे होगा कैसे होगा। तो इस तरह की वो सारी चीज़ें जब उन्होंने छोड़ दी चिंता की, तो उन्हें क्या हुआ, बस अपने घर की तरह लगने लगी और आराम से वो बैठ गए और सब ने हंसी मजाक करना चालू कर दिया। तो बच्चों ये जो कहानी है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी हुई कहानी थी, ये काफ़ी एक सुंदर कहानी थी जिसमें उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। बच्चों अगर इस पाठ में आपको कहीं पे भी कोई समस्या आती है, कोई शब्द समझ में नहीं आता है या किसी चीज़ का भावार्थ समझ में नहीं आता है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को क्वेश्चन में लिख सकते हैं, हम आपको अपने नेक्स्ट सेशन में उसका जवाब दे देंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और बड़ों की आज्ञा मानें। धन्यवाद।